वजीर इत्तिलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने वाजे किया है कि सूबे में लॉकडाउन खत्म करने के हवाले से कोई तजवीज जेरे गौर नहीं। हुकूमत सिंध के लिए अवाम की जानों से बढ़कर कुछ और अजीज नहीं। कराची में मीडिया से बात करते हुए वजीर इत्तिलात का कहना था कि बाज़ अनासिर की जानिब से लॉकडाउन के खात्मे का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसमें कोई सदाकत नहीं। फिलहाल कारोबार तबके को ऑनलाइन माशी सरगर्मियों की इजाजत दी गई है, तहम कोई भी ऐसा मंसूबा या प्लान जेरो गौर नहीं जिसमें सूबे से लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर उठाने का फैसला किया गया हो। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का खमियाजा सारे मुल्क की अवाम भुगत रहे हैं। अगर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह हंगामी तौर पर हिफाजत इकदाम न उठाते तो आज सूरत हाल कुछ और होती। हुकूमत सिंध के तैयार करदा SOP पर अमल दरामद करना जरूरी है ताकि इंसानी जिंदगियों को महफूज बनाने के साथ माशी पहिया भी चलता रहे। सूबाई वजीर का कहना था कि सोशल मीडिया पर हुकूमत सिंध के इकदाम की किरदार कशी के बजाय अगर हमारे हाथ मजबूत किए जाते तो ये अमल न सिर्फ इज्तिमाई तौर पर मुफीद साबित होता बल्कि इंफरादी सतह तक भी इस अमल के असरात लाजमी तौर से मरतब होते। हर खबर से अपडेट रहने के लिए खबर सियासी या मुल्क के बहरान की या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।